हेलो दोस्तों, तो आज हम निकालेंगे सोने का तेजाब। इसकी ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर हम मेल्ट करते हैं तांबा, चांदी वगैरह सारा, तो इनको सेपरेट करेंगे और हमारे को प्योर गोल्ड मिलेगा, और वो भी 99% पूरा प्योर। तो हम इसमें इस प्रोसेस में पूरा ओनली यूज़ एक ही मेटल का यूज़ करेंगे, तांबा, और वो कितना करना है वो सारा भी मैं बता रहा हूँ आपको। तांबे का यूज़ करेंगे, चांदी वगैरह किसी मेटल का यूज़ नहीं करेंगे। इसका बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और ये चीज़ हम घर पे भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगी। ये है मेरे पास सोना, और इसका मैंने अभी फॉर्म निकलाया फार्म, तो उस पर आया 85% है ये, ठीक है। तो इसका एक बार वेट चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 11 ग्राम तक हमारा सोना है। अब इसमें हमारे को चाहिए क्या, इसका जस्ट डबल। तो 11 200 हमारे पास था सोना, इसका जस्ट डबल हमारे को लेना है कॉपर। और फिर हमारे को चाहिए नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, और एक बीकर के लिए जैसे कोई भी ले सकते हैं, हमारे पास प्याला है। तो इसका डबल करेंगे तो 22400 समथिंग हमारे को कॉपर लेना है। अब हम इसको दोनों को करते हैं मेल्ट साथ में। तो मैं डाला उसमें मूस में, अब इनको हम हीट देके करेंगे पूरा मेल्ट। हाँ, तो ये हो गया मेल्ट, दोनों साथ में मिक्स हो गए हैं। जो हमारा गोल्ड था जिसमें मिक्सर साथ में था, कि जो तांबा वगैरह था थोड़ी सी अमाउंट में था, अगर उसमें हम नहीं डालें तांबा, वो डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड डाल के करेंगे, तो वो सोना छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ के रखेगा तांबे को। इसलिए हमें उससे डबल मात्रा में सोने की, जस्ट डबल मात्रा में तांबा डाला था। अब इसको हम एक बार ठंडा कर लेते हैं, और फिर इसका करेंगे हम देख सकते हो ये पूरा कलर चेंज हो चुका है इसका, जो तांबा साथ में मिक्स है इसकी डबल मात्रा में, इसलिए उसका पूरा कलर चेंज हो चुका है। हाँ, तो इसका हम एकदम बिल्कुल पतला चादर निकालेंगे, और फिर उसको कट करके नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। तो चलो चादर निकाल लेते हैं। देखो ये चादर बहुत पतला कर लिया है, तो अब ये फट रहा है। फट रहा इसलिए रहा है कि जिसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, तो हार्डनेस ज़्यादा होने लग गई, तो इसके कारण ही फट रहा है। कोई इश्यू नहीं है, इसको बहुत पतला कर लेना हमारे को, ताकि ये अच्छे से उसके साथ रिएक्शन कर पाए नाइट्रिक एसिड के साथ, और अच्छे से कट पाए। हाँ, तो हमने इन चादर को कर लिया है बिल्कुल पतला, लगभग 40 गेज के आसपास का चादर कर लिया हमने बिल्कुल पतला। अब इनको हम कतरन करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में कट कर लेंगे। ऐसे वन बाई वन करते करते पूरा सारा कट कर लेना है, जैसे कि हमने छोटे छोटे हिस्से में कट कर लिया इनको। हाँ, तो हमने बारीक बारीक कर्तन कर ली थी, अब इनको हम फैला देना है, और फिर उसमें डालना हमारे को नाइट्रिक एसिड। चलो, तो अब नाइट्रिक एसिड डालते हैं थोड़ा सा इसमें, और देखो कितनी फास्ट रिएक्शन कर रहा है, और देखो लाल धुआं निकाल रहा है। इसका मतलब है कि तांबा कट रहा है और हवा में उड़ रहा है, देखो इतनी रिएक्शन के साथ। तो सेफ्टी रखनी है हमारे को। कूरियर तो धुआं उठ रहा है इतनी रेड कलर में, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है तांबे की और नाइट्रिक एसिड की, रिएक्शन होकर लाल धुआं निकलता है। तो अभी तक तो देखो ये निकल रहा है। इसकी सेफ्टी के लिए हम एक साथ में रख रहे हैं, अगर ज़्यादा बाहर आने लग जाए उफन के, तो इसको ऊपर ढक देना है। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमारा सोना प्योर हो चुका है 99%? तो इसका पता चलेगा हमें जब ये लाल धुआं आना, अभी तो आ रहा है, ये पूरा प्रॉपरली बंद हो जाए धुआं आना, इसका मतलब कि कॉपर पूरा ख़त्म हो चुका है इसमें से, अब फाइन हमारा सोना ही बचा है इसमें। इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि धुआं जब आना बंद हो जाए, इसका मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और इसमें अब प्योर सोना ही है। तो अभी तक तो धुआं थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, मतलब कि कम हुआ है पहले से, इसका मतलब थोड़ी सी मात्रा में अब इसमें कॉपर है। तो हम इसको हिला भी लेंगे एक बार थोड़ा सा, ताकि कोई नीचे हो तो पहुंच पाए सबके पास। तो
तो आप देख सकते हो इसमें से धुआं आना पूरा बंद हो चुका है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और ये ब्लू कलर है, ये तो मैंने बता दिया कि चांदी का है, तो चांदी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारे पास पीछे बचा है ओनली प्योर सोना हमारा, तो इसमें आप हाँ तो तेजाब को थोड़ी सी हीटिंग भी देंगे, थोड़ा गर्म करेंगे ताकि, और ये गर्म होने से रिएक्शन फास्ट करें। तो तेजाब को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी हमारा प्योर गोल्ड ही बचेगा इसके अंदर। तो अब देख सकते हो जो पत्तियां हमने कट की थी उनका कलर वापस गोल्ड हो गया है, तो इसको साफ पानी से 2-3 बार धो लेना है ताकि तेजाब प्योर पूरी मात्रा में इससे निकल जाए, पानी से साफ पानी से धो लिया जाए। इसलिए निकल चुका है पूरा तेजाब, अब हम इसको मेल्ट करेंगे वापस से और हमारा ये प्योर सोना ही है अब। हीट देके हमें सुखा लेना है एक बार का, फिर गलाएंगे। तो हमने सुखा लिया इसको, तो प्रॉपरली पूरी तरह से सोने का कलर आ चुका है इसमें, ये फाइन सोना हो गया हमारे पास। अब इसको हम मेल्ट करके हम इसका लैब टेस्ट करवा के लाएंगे कितना परसेंट आ रहा है। ये हमारे पास बोरेक्स पाउडर जो सोने को निकालने में फास्ट करता है और क्विकली साफ सट कर देता है, जिसमें इसमें कोई भी डस्ट हो तो निकाल देता है पूरा। हाँ तो आ चुका है हमारे पास 999% सो गोल्ड हमारे पास। अब इसको ठंडा कर लेते हैं एक बार और फिर इसका वेट करके हम इसका लैब टेस्ट करवा के लाएंगे कितने परसेंट है। 99 प्योर देख सकते हो उसका कलर से भी आप, फिर भी एक बार लैब टेस्ट करवा लेते हैं और आपको दिखा देते हैं क्या है। बिल्कुल शॉर्टली प्रोसेस कम्प्लीट हो गया हमारा और चीप कास्ट पे, मतलब कि बिल्कुल पैसे बहुत कम लगे इसमें, घर पर भी कर सकते सारा चीज़। हाँ तो हम पहुँच चुके हैं मेरा बुलियन रिफाइनिंग सेंटर पे। अब यहाँ पे हम वही सोना चेक करवाएंगे लैब टेस्ट। आप कह सकते हो कि आप कह दोगे कि भैया आपने तो चेंज कर लिया सोना, वही सोना है देख सकते हो, हम यहाँ पे करके चेंज करवाएंगे। चलो भैया के पास चलते हैं और बोलते हैं कि भैया लैब टेस्ट करो यार इसका। विशाल लैब टेस्ट करो, तो अभी मशीन में होगा और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है। तो दे दिया है, अभी होगा लैब टेस्ट और फिर देखते हैं फॉर्म में कितना परसेंट आता है, कितना रियल था और कितना 100% है या नहीं है।